तुम्हें दिव्य वास मिल गया धाम का। अगर धाम का नहीं मिला तो नाम मिला है, आश्रय लियो तो बात एक ही है। अगर तुम नाम प्राप्त हो गया है और नाम के बल से पापाचरण ना करो तो बहुत जल्दी तुम धाम में वास करने लगोगे। कैसे? तुम जहां होगे वहीं तुम्हें धाम का निरंतर आभास होता रहेगा, मैं धाम में हूं ऐसा अनुभव होने लगेगा, क्योंकि तुम्हारा चिंतन धाम में होने लगेगा। जब कोई उपासक नाम के बल से पाप करने लगता है, ये तो ध्यान दीजिए कि नाम में सर्व पाप नाशक शक्ति विराजमान है। त्रिभुवन में कोई भी ऐसा पापी नहीं है जो पवित्र होकर भगवत प्राप्ति न कर सके। इस शब्द को लिख लो, क्योंकि बहुत लोग ये प्रश्न करते हैं आकर कि हमसे ऐसे पाप हो गए कि हमारी भी पाप मोचन हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पक्का हो जाएगी। पर शर्त है, अब लो निशानी अपना, आज तक की आप नहीं करूंगा, ये शर्त होती है इसमें। अगर फिर तो प्लस हो जाएगा पीछे से, और अगर नहीं तो सब भस्म हो जाएगा। भगवान नाम में स्वाभाविक सर्व पाप नाशक शक्ति है, तथापि इसका यह अर्थ नहीं कि आप नाम के सहारे पाप करना शुरू कर दें। भगवान नाम जैसी परम पावन शक्ति का प्रयोग इस पापाचरण में ना करें कि नाम से पाप नष्ट हो जाते हैं, हम खूब पाप करें और नाम जप कर लेंगे। अगर ऐसी भूल की तो आपको भयंकर दंड मिलेगा, नामापराध लागू हो जाएगा आपके ऊपर। नाम के सहारे, नाम की ओट से पाप करना, आप नाम स्मरण का व्रत लिए हैं और नाम महिमा सुनी है कि सर्व पाप नाशक है, और आप उत्साहित होकर नवीन नवीन पाप करते हैं और फिर नाम के द्वारा उसे भस्म करना चाहते हैं, तो नहीं होगा। अभी तक जो हुआ और अनजाने में चूक हो जाए उसके लिए कोई प्राश्चित अलग से करने की जरूरत नहीं, नाम तुम्हारे उस पाप को भस्म कर देगा। लेकिन प्रमाद से जान बूझ करके जो पाप करता है नाम की ओट में, तो नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धिर न विद्यते तस्य अमैर ही शुद्धि, ऐसे की शुद्धि यमराज नरक में ले जाकर करते हैं नाम जापक की। कौन नाम जापक? जो नाम के सहारे नवीन नवीन पाप कर रहा है कि खूब पाप कर लेते हैं और शाम के माला दो माला जप लेंगे, एक नाम इतनी सामर्थ्य रखता है कि सब पाप भस्म हो जाएंगे। बोले नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धिर, जो नाम के बल से पाप करता है तो न विद्यते तस्य यमैर ही शुद्धि, वो शुद्ध नहीं हो सकता, उसकी शुद्धि यमराज करेंगे नरक में ले जा करके। जे नर नाम प्रताप बल करत पाप नित आप, वज्र लेप होए जाए ते अमित सुदुष्कर पाप। जो नाम के सहारे से पाप करते हैं वज्र के समान पाप हो जाते हैं और उसका नाश करते हैं। किसका? जो नाम के सहारे से पाप करता है। इसलिए प्रार्थना है कि भगवान नाम का प्रयोग भगवत प्राप्ति के लिए, अभी तक जो हुआ सावधान, पाप सब नष्ट हो जाएंगे, लेकिन महिमा सुनी और नाम का प्रयोग करके फिर पाप, तो ये वज्र का लेप हो जाएगा। ये तो सावधानी की बात कही। आगे बात कर रहे हैं कि नाम जब से समस्त सद्गुण आपके हृदय में स्थापित हो जाएंगे। नाम स्मरण की प्रारंभिक दशा में बहुत ध्यान से सुनेगा, बहुत बड़े महापुरुषों के अनुभव की बातें हैं। जो ही हम नाम जब प्रारंभ करते हैं तो नाम जब अंदर जा करके जागृति करता है, किसकी? सोए हुए पाप प्रवृत्तियों की। उठ और भाग यहां से, अब तू इस हृदय में नहीं रह सकता, क्योंकि ये हृदय मेरा अधिकार। अब अविद्या के प्रभाव से अनंत जन्मों में जितने दुर्गुण दुराचार कुसंस्कार हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत प्रश्न होते हैं इस विषय में, सीधा उसका सरल भाव से समझाते हुए उत्तर है,
इस बात के तो सैकड़ों प्रश्न होते हैं। जब कोई साधक नाम जब प्रारंभ करता है, नाम जाकर के अंदर ज्ञान जागृति नहीं करता प्रारंभ में, सुप्त वासना प्रवृत्तियां जो छुपी उनको जागृत करता है, उठ और भाग यहां से। अब वो कुसंस्कार दुर्गुण दुराचार दल के दल वहां हैं अंतःकरण में। जैसे जैसे साधक नाम जब बढ़ाता है, वैसे वो अपने बल के साथ प्रकट होते हैं। परमार्थ का साधक यदि सत्संगी नहीं हुआ तो वो समझता है कि ये तो बहुत बड़ा विघ्न सामने उपस्थित हो गया, हृदय जल रहा है और पाप वासनाएं इतनी बढ़ती जा रही। साधक में प्रारंभ में इनका परिचय ना होने के कारण वो पराजित होने लगता है कि अब तो बहुत गंदी बातें आ रही हैं, भजन रोक दो। अतएव साधक घबराए नहीं, इन विकारों के अधीन न हो, नाम जप रूपी परम साधन छोड़े नहीं। बिल्कुल मंगलमय बात समझ लो, ये बात कई बार हो चुकी है, पर जो लिखा हुआ है उसे सुनोगे तो ज्यादा विश्वास हो सकता है, वैसे लगेगा ये अपने मन से कहते हैं। साधक प्रारंभ में पराजित करने की सामर्थ्य नहीं रखता, अतएव घबरा करके इनका परिचय ना जानने के कारण वो या तो इनके अधीन होकर फिर गलत कार्य करने लगता है, या भयभीत होकर साधन नाम जप करना छोड़ देता है। किंतु यदि गुरु कृपा पात्र साधक प्रभु के नाम की वास्तविक महिमा जो सुन चुका है, ऐसा अवसर जब आता है कि हृदय में बड़ी गंदी बातें, बड़ा प्रपंच उदय हो रहा है, तो वो समझने लगता है नाम काम कर रहा है, नाम काम कर रहा है, अब हमारा हृदय खाली हो रहा है, ये वासनाएं निकल रही हैं, समस्त हे गुण दुर्गुण दुराचार प्रवृत्तियां नष्ट हो रही है, बार बार वही हमने अनंत जन्मों में किया इसलिए बार बार वही आ रहा है, आ नहीं रहा वो जा रहा है, हर वृत्ति जा रही है। अतएव और नाम उच्चारण बढ़ाए और सत्संग सुने, जिससे हिम्मत बनती जाएगी, घबराओगे नहीं, बड़ा भारी युद्ध है, एक दिन में सब डिलीट नहीं हो जाएंगे, धीरे धीरे सहत सहत बाढ़े भगति ग्रह तन गुरु हित गार। जिन गुणों से भगवान रीझते हैं, ध्यान देना, एक विकार गया, एक गुण आ गया, वो विकार की वृत्ति गई, दूसरा गुण आ गया, खाली नहीं रखता, ये बड़े काम की बात है। जैसे जैसे नाम जब चलेगा, दुर्गुण दुराचार दुर्विचार पाप प्रवृत्ति खाली हुई, उतने में सद्गुण सदाचार आके बैठ गया कि अब दोबारा उसको जगह नहीं मिलेगी, और धीरे धीरे वो पूरे के पूरे दुर्गुण दुराचारों को हटा करके साधक में सद्गुण सदाचार स्थापित कर देता है नाम, पहला प्रभाव नाम का। साधक को ये बात ध्यान रखनी है कि ये दो वृत्तियां आपके अंदर प्रारंभ में होंगी, दोषापनयन और गुणाधान। दोषापनयन, जो दोष वृत्तियां हैं उनको निकलना और उनकी जगह में सद्गुण सदाचार स्थापित करना, ये नाम करेगा, तुम्हें चुप रहना है, राधा 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 राधा, विचलित नहीं होना कि मन बहुत हमारा परेशान करता है, बहुत विकार आ रहे हैं, अब कैसे रहो, आपने उनकी सत्ता दे दी, अब वो नहीं निकलेंगे, खुशी मनाओ, गंदी बातें निकल रही हैं। पर साधक कैसे खुशी मनावे, वो तो मन में तदात्म्य, तो मन में जलन हो रही है और वो निकल रहे हैं, तो वो समझ रहा है आ रहे हैं, और फिर वो उनसे या तो द्वेष कर बैठता है या तो राग, द्वेष कर बैठा, क्यों आ रहे हैं, क्यों ऐसा ऐसा, उनकी सत्ता दृढ़ हो रही, और या फिर उसी आचरणों में लग जाता है तो रागात्मक या द्वेषात्मक वृत्ति से वो टिक जाते हैं, खाली नहीं हो पाते, इसीलिए लंबा समय निकल जाता है, कोई लाभ उसको समझ में नहीं आता। दोषापनयन और गुणाधान साधक में ये दो वृत्तियां नाम पैदा करता है,
पहला, अंतःकरण के सारे दोषों को भगाना। दूसरा, अंतःकरण में दैवी संपदा के सद्गुण स्थापित करना। तुम्हें नहीं करना, वो नाम कर रहा है, पर तुम चुप रहो। पर यहां चुप रहा नहीं जाता, विचलित हो जाते हैं। जहां असत प्रेरणा हुई तो या तो ऐसी क्रिया कर दी या वो ऐसे दुखी हो गए। हमारे मन में तो ऐसा आता है वैसा। चुप रहो, ऑपरेशन शुरू है तो मवाद निकलेगा, गंदगी निकलेगी, और जो गंदगी निकलेगी तो फिर अच्छे से वो घाव भर जाएगा। जितना दोष निकल रहा है उतना ही सदगुण आ रहा है। कितना सुंदर बात है, अगर ये न समझ पाए तो परेशानी पड़ जाएगी। बिल्कुल निश्चिंत रहे, तुम्हारे अंदर काम क्रोध लोभ जो भी दोष दिखाई दे रहे हैं आ नहीं रहे, जा रहे हैं, जा रहे हैं। और वो जगह खाली नहीं हो रही, वहां दैवी संपदा भर रही जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। यदि हम नामोच्चारण के साथ साथ नाम का ध्यान शुरू कर दें तो और जल्दी दिव्य सद्गुण आ जाएंगे। ध्यान दीजिए, यदि हम नाम जपने के साथ साथ नाम का ध्यान शुरू कर दें ना, कभी नाम का ध्यान करें, कभी रूप का ध्यान करें। रूप मानो जैसे बिहारी जू, राधा वल्लभ लाल जू, ये साक्षात विराजमान प्रभु है। इनकी रूप माधुरी देखो, चरणों से शिख तक, शिख से चरणों तक, बार बार ऐसे देखो। अगर वहां नहीं लगता तो बार बार नाम लिखो। अगर ऐसा चिंतन करने लगोगे तो इससे तुम्हारी जलन कम हो जाएगी, कि जो तुम्हारा पूरा चिंतन कि हमारे मन में क्या आ रहा क्या आ रहा, उधर से हटो, वो निकलना शुरू हो जाएंगे। अंतःकरण में भागवतिक सद्गुणों की प्रतिष्ठा होने में देर नहीं लगेगी। किसको? जो नाम जपने के साथ नाम का ध्यान करता है या नाम जपने के साथ रूप का ध्यान करता है। हरिवंश महाप्रभु ने दोनों बातें कही, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान और मुख नाम। बहुत जोर का है ये बात। दुर्गुणों दुराचारों की जो प्रवृत्तियां हैं, बहुत सुंदर सुगम उपाय है उनके निकालने का नाम जप। नाम जप से ही निकलते हैं सदगुण सदाचार, ये खाली हृदय में आकर बैठने लगते हैं। बहुत बढ़िया प्रक्रिया है, बस समझ लो, कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा। एक उपासक ने लिखा, आपने जब से कहा नाम शुरू किया तब से भारी परेशानी हमारे हृदय में है। उपास नहीं है तो उसको कैसे बता सकते हैं। अब हमें कोई सहारा नहीं नजर आ रहा है, बहुत जल रहा हूं। बढ़िया है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है, मटकी पक रही है, दुर्गुण दुराचार सब भाग रहे हैं, हृदय परिपक्व हो रहा है, इसमें प्रेम रस आने की क्षमता आ रही है। पर सही, इसीलिए कहा जाता है, चाहे शिव बिरंच सम होई गुरु बिनु भवनी। अब नजदीक हो और उसको ये सत्संग सुने और दृष्टि पड़े, सानिध्य तो समझ में आवे। बिना, इसीलिए कहा भजन न होई संग बिनु। अब उसको कैसे कोई समझावे, अब मन उसको भयभीत कर दिया, वो नाम अनंत जन्मों की बात कृपा हुई थी, फिर वो डगमगा गया। पूर्व जीवन में रात दिन विषयों का ही चिंतन होता रहा है, अब उस चिंतन को भगवत चिंतन से संघर्ष करना होगा, लड़ना होगा। अय उपासक, एक तरफ तुम हो, दूसरी तरफ पूरा माया का परिवार है। नाम के प्रभाव से पूरे माया के परिवार पर विजय प्राप्त करना है। जैसे जैसे तुम्हारा भगवत चिंतन अधिक बढ़ेगा तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये पूरा का पूरा अपना प्रभाव दिखा के नष्ट हो जाएंगे। ये पूरे के पूरे नष्ट हो जाएंगे ऐसा शब्द नहीं आया, प्रभाव दिखा के नष्ट हो जाएंगे। जितना इनमें पावर हो पूरा पावर दिखाएंगे तुम्हें परास्त करने के लिए। नाम छोड़ दो, संसार में आ जाओ। और जो साधक जमा रहता है राधा राधा राधा, अब उनके अनर्थ और दुष्परिणाम और अनिष्ट चिंतन ये सब कुछ छूट गया। नाम से पूर्व पाप भस्म हुए, वर्तमान का जो अनर्थ है, दुष्परिणाम है, अनिष्टकारी चिंतन है, वो छूट गया। अब उसके हृदय में आनंद का प्रादुर्भाव हुआ, अब उसके हृदय में भगवत स्वरूप
पवित्रता, शांति, संतोष, निर्भयता, निश्चिंतता, समस्त दैवी संपदा प्रकाशित हो गई। अब तो एक एक नाम के साथ उसको स्वाद मिलने लगा और दिव्य स्वरूप भगवान का उसके हृदय में झलकने लगा। अब भगवान के रूप की प्रतिष्ठा उसके मानस नेत्रों में हो गई। पूरा का पूरा प्रकरण ध्यान से बार बार सुनना। अब उसके हृदय में जो आनंद आया, उस आनंद में उसे आत्म स्वरूप का बोध हो जाता है। मना प्रसादे परमात्म दृष्टि, मन अद्भुत आनंदित, तो भगवत दृष्टि जागृत हो गई। ये दो अधकचरी दशा के नाम जापक होते हैं, इनकी बड़ी दुर्दशा होती है। मुख से तो नाम उच्चारण करते हैं और शरीर के आचरण करते हैं, वही जो मन बुद्धि कहते हैं, तो उनका वास्तविक नाम जप नहीं हो पाता, क्योंकि थोड़ी देर मुख से नाम उच्चारण कर लिया, फिर असत आचरण किए, असत चिंतन किए, तो ये जो अधकचरापन है ये बहुत कष्ट देने वाला है। निकलो इस अधकचरेपन से। सच्चा नाम स्मरण जो पीछे वर्णन किया गया, आपको परास्त नहीं होना, बराबर नाम, इसके साथ जब नाम का चिंतन, रूप का चिंतन, तब समझो कि आप अधकचरी अवस्था से बाहर आ गए। अभी तो बहुत गंदी बातें चिंतन में आती हैं, अभी तो लड़ना पड़ेगा, इतना तो लड़ने के लिए तैयार रहो। अगर ये कहते हो ये सब हमसे नहीं होगा, तो एक उपाय है, किसी महाभागवत को पूरा जीवन समर्पित कर दीजिए, खत्म खेल आपका। ये भी देख लीजिए करके, पूरा जीवन अक्षरशा समर्पित। जब आप भगवत अनुराग के मार्ग में चल पड़े तो अक्षरशा आप वैसे ही करो जैसा आदेश होता है, तो आप वास्तविक सिद्ध हो जाओगे। बड़ी कृपा है, बहुत से ऐसे 50 साधक हैं जो बिल्कुल अक्षर पर प्राण देने के लिए तैयार है। आज्ञा पर वचन आधीनता। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याद्वर्णं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवम्। थोड़ी थोड़ी देर में भगवान से बातें करें, उनसे कहते रहें, हे भगवान मैं आपको भूलूं नहीं, हे प्रभु आपकी याद कभी भूलूं नहीं, आपको हमेशा याद रखूं, मैं जैसा हूँ आपका हूँ, आप मुझे भूलने मत देना खुद को। आकाश में उड़ने वाला पक्षी मनुष्य की तुलना में बहुत छोटा होता है, परंतु उसकी उड़ने और छिपने की क्षमता के कारण उसे पकड़ पाना हमारे लिए अत्यंत कठिन है। पाप की भी यही स्थिति है, हम ईश्वर का अंश होते हुए भी पाप को पकड़ नहीं पाते हैं, जबकि पाप बहुत लघु है। अपनी त्रुटियों को मनुष्य कहाँ पकड़ पाता है? गोस्वामी जी ने कहा है, मैं तो अबोध शिशु की तरह इतना ही जानता हूँ कि राम मेरे पिता हैं और माँ में मेरी माता है, और बालक जैसे पुकारता है, चाहे रोकर, चाहे हठपूर्वक, चाहे मचल कर, चाहे खींच कर, मैंने उसी तरह प्रभु को पुकारा और माँ अपने बच्चे का स्वर सुनते ही जैसे दौड़ी चली आती है। मेरी असमर्थता पे प्रभु रीझ गए और उन्होंने मुझे अपना बनाया और मैं तो धन्य हो गया। माया की, मोह की जो चंचलता बसी है, इसको शांत करने के लिए नाम जप करते रहना चाहिए, इससे वृत्तियाँ शांत हो जाती हैं। आपको जो भी नाम पसंद है आप वो नाम पकड़कर नाम जपते रहिए, प्रभु की कृपा बरसने लगेगी आप पर। राधे राधे।